सरिता विहार थाना पुलिस ने एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस को सुलझाते हुए आरोपियों को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम ओवैस है, वह जामिया नगर का रहने वाला था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अल्ताफ और फरहान अब्बास के रूप में हुई है। दोनों 19-19 साल के हैं। अल्ताफ ओखला विहार का और अब्बास जामिया नगर का रहने वाला है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल ऑटो भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पूर्व जिला DCP RP मीना के अनुसार 4 जुलाई की शाम को सरिता विहार पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल नरेंद्र ने फोन करके इन्फॉर्मेशन दी कि उसकी बीट में एक डेड बॉडी ओखला टैंक जंगल में पड़ी मिली है। कॉल मिलते ही SI सतीश भाटी मौके पर पहुंचे और देखा कि ओखला टैंक जलबोर्ड कार्यालय की ओर जा रहे सीमेंटेड रोड के किनारे एक चार दीवारी के पास लगभग 23-24 वर्ष का एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था। शव की जांच के दौरान जांच अधिकारी को मृतक के शरीर पर चोट के कुछ निशान दिखाई दिए और शव भी डिकम्पोज होने लगा था। काफी प्रयास के बाद मृतक की पहचान हो सकी थी। शव की पहचान ओवैश पुत्र मोहम्मद यामिन निवासी ओखला विहार जामिया नगर के रूप में हुई, जो 2 जुलाई से घर से लापता था। शव को देखते ही लग रहा था कि किसी ने मृतक को मार डाला था। तुरंत ही सरिता विहार पुलिस ने FIR संख्या 250/2021 Section 302 हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए बिजेंदर सिंह ACP सरिता विहार की सुपरविजन और अनंत कुमार गुंजन SHO सरिता विहार के नेतृत्व में SI वेंकटेश कुमार, SI सतीश भाटी, SI लायक अली, कांस्टेबल मनोज, कांस्टेबल सज्जन, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल नरेंद्र और कांस्टेबल मुनीम की एक टीम बनाई गई। जांच टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाया, मृतक के मोबाइल नंबर की CDR की बारीकी से जांच की। कुछ सस्पेक्ट्स लोगों को इंटरोगेटेड किया गया, साथ ही मृतक के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की। सस्पेक्ट्स लोगों पर निगरानी रखी जाने लगी। करीब 20 CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने, टेक्निकल सर्विलांस और मृतक के मोबाइल CDR की बारीकी से जांच के बाद पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स की पहचान की। सस्पेक्ट्स की पहचान 19 वर्षीय अल्ताफ पुत्र जुबेर आलम निवासी हाजी कॉलोनी ओखला विहार और 19 वर्षीय फरहान अब्बास निवासी जामिया नगर के रूप में हुई। सस्पेक्ट्स दोनों लोगों को जसोला पॉकेट 11 के पार्क से गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाने लाया गया। कड़ी पूछताछ करने पर आरोपितों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही क्राइम में इस्तेमाल किया ऑटो को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि चाकू और मृतक का मोबाइल फोन यह मेरठ इलाके में फेंकाए थे। उनकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मृतक ओवैश के साथ फरहान और अल्ताफ की दोस्ती थी। 2 जुलाई की रात तीनों साथ थे, शराब और सुलोचन पी रहे थे। रात को मृतक और उसके दोस्त फरहान के बीच कुछ कहासुनी हो गई। बाद में मृतक और अल्ताफ का एक लड़की के मुद्दे पर आपस में झगड़ा हो गया। अल्ताफ और फरहान ने चाकू से वार किया और ईंट मारकर ओवैश की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने एक ऑटो से शव को जंगल में ले जाकर फेंक दिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सुबह 5:30 बजे ओवैश की हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ऑटो भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पूर्व में कोई मामला दर्ज नहीं है। 19 वर्षीय आरोपी अल्ताफ पुत्र जुबेर जामिया नगर निवासी ने 8वीं तक पढ़ाई की है। वह दिहाड़ी मजदूर है और शराब का आदी है और नशे के लिए सुलोचन का भी सेवन करता है। 19 वर्षीय आरोपी फरहान अब्बास पुत्र सफीक हुसैन ओखला विहार निवासी ने भी 8वीं तक पढ़ाई की है। वो ऑटो चालक है और शराब और ड्रग्स का भी आदी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।